Hey students, welcome or welcome back to my channel. So today in this video lecture, I'll be discussing with you about Toru Dutt. जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ये एक बंगाली वुमेन है. और हाँ, ये एक वुमेन नॉवलिस्ट है, एक वुमेन राइटर है, जिन्होंने अपने वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा है. और इन्हें पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के लिए हैं, और इंडियन राइटर होते हुए भी उन्होंने वर्ल्ड वाइड लिखा और अपने वर्क्स को फेमस कर दिया. तोरू दत्त की टाइम स्पैन की बात करें तो उनका जन्म होता है 4 मार्च 1857 और उनकी डेथ होती है 30 अगस्त 1877 इन कोलकाता. वो बहुत ही कम रोन में चल बसी एट द एज ऑफ 21 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, और इसी बात की वजह से उनको जॉन कीट्स से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उनकी भी मृत्यु बहुत ही जल्द ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो गई. ये एक बंगाली वुमेन है और इनका कमांड 4 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में था, जो कि था इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत. इतने कम उम्र में उनका कमांड 4 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में होना बहुत बड़ी बात है. उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी भी एजुकेशन नहीं लिया विद सम स्कूल. कोई भी स्कूल के साथ उन्होंने कोई भी एजुकेशन नहीं लिया, कभी भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं गई. उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने घर पर ही की थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे वर्क्स को लिखा है. अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनका घर वेस्ट बंगाल कोलकाता में था, और उनके पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, अरु, अबजू और तोरू. सैड पार्ट तो ये है कि ये तीनों ही बच्चे बहुत ही कम उम्र में चल बसे थे. तोरू एक बंगाली लड़की थी, पर जब वो 6 ईयर की थी उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और जब वो क्रिश्चियन बन गई तो उनके वर्क में हमें बाइबलिकल रेफरेंस भी देखने को मिल जाता है. तोरू बहुत ही जगह घूम चुकी थी, और फिर वो कैम्ब्रिज भी गई 1870 में. जब वो कैम्ब्रिज गई तो उन्होंने बहुत ही अच्छा लेक्चर को अटेंड किया, नेम हायर लेक्चर फॉर वुमेन, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अच्छी वुमेन से नेम्ड मैरी मार्टिन. मैरी मार्टिन उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है, पर जब वो इंडिया वापस आती है तो उनकी बहन, तोरू दत्त की बहन की मृत्यु हो जाती है. मृत्यु होने के बाद में वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है, और फिर वो लेटर लिखना शुरू करती है अपनी प्यारी सहेली, अपनी प्यारी मित्र मैरी मार्टिन को. मैरी मार्टिन से उनकी बात अच्छी चलती है, पर 21 की एज में तोरू दत्त भी चल बसती है. अब आगे हम उनकी वर्क्स के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत ही ग्रेट वर्क्स दिए हैं हमारे इंडिया को और साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ को भी, जिसमें कि द लोटस, गीता और आता है बाग मेरी. अगर हम बाग मेरी की बात करें तो वो उनका बहुत ही फेमस वर्क्स है और आपको काफ़ी कॉलेजेस में पढ़ने को भी मिल जाएगा. जब मैं बाग मेरी को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उसमें भी बाइबलिकल रेफरेंसेस मौजूद. बाग मेरी में बहुत ही अच्छा एडम और ईव का गार्डन का रेफरेंस दिया हुआ है. उनका बहुत सारा वर्क्स था, उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखे थे. इसमें आपको उनके सारे वर्क्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि एंशियंट बैलेंट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1822 बहुत ही फेमस है, जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश किया गया. वो बहुत फेमस तो थी, पर एक बात जो आपको हमेशा एग्ज़ाम में मेंशन करना है, या कभी भी आप तोरू दत्त के बारे में बात करूं, उनके वर्क्स के बारे में बात करूं, तो मेंशन करना है कि उनको फेमस करने वाला जो इंसान था वो था एडमंड गोसी. अभी तक उन्होंने बहुत वर्क्स को लिखा, तोरू दत्त ने बहुत वर्क्स को लिखा, पर कुछ भी फेमस नहीं था. उनकी मृत्यु के बाद जब एडमंड गोसी ने 1877 में रिव्यू किया उनके वर्क्स को एग्जामिनर में, तब वो फेमस हुई. उनके एडिशंस को उन्होंने जो रिव्यू किया तब उनको लोग जानने लगे. अगर हम तोरू दत्त के बारे में बात करें तो वो हमेशा से ही इन्फ्लुएंस थी जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से. तोरू दत्त के बारे में अगर आपको जानकर अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे और भी वीडियोस के बारे में बताएं जो मैं आपको बता दूं या मैं आपको समझा सकती हूं. जो वीडियोज़ यूट्यूब में नहीं हैं, अगर आपको कोई पोएम, नॉवल या कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ. थैंक यू.